आज हमारा मेहंदी जो चंबुर कैसे बनाता है पार्ट 1 2 करके दो पार्ट में बनाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट में मेरा जो पुराना वाला चंबुर है ना मेहंदी, उसको मैं कैसे बनाता है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो सभी को एक बार कुजु जंगबो नमस्कार सत श्री अकाल जी। तो मैंने ये जो मेरा पुराना वाला चंबुर था ना, उसका जो सब खोल के फिर स्टेप बाय स्टेप बना के देखेगा, ठीक है जी। आप लोग देखते रहिए। अभी मैं ये खोल रहा है ना, इसमें एक तो रबर बैंड ने टाइट करके रखा हुआ था, तो ऐसे करके खोल दिया जाएगा, ठीक है जी। ऐसे करके खोल के तो अंदर से ये जो पिताल से बना हुआ है हमारा इधर लोकल मेड है, ठीक है जी, जो कि विश्वकर्मा लोग बना रहे हैं। इसको अच्छा से साफ कर देगा, ठीक है। ये ऊपर वाला कैप जो ये अंदर वाला ये है, ठीक है जी। तो मैंने अंदर में जो डिस्टेम्बर बना के चुंबुर मेहंदी बना के डाला था ना, उसको अभी ऐसे करके खोल देगा, ठीक है। तो ये प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक जो नमक है, ठीक है, देखिए एवरीडे साल्ट का ये नमक का प्लास्टिक है। नमक का प्लास्टिक में थोड़ा स्ट्रांग होता है, आप चाहे तो दूसरा प्लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे करके मैंने सब साफ़ कर दिया, ठीक है, पानी में अच्छे से धो के साफ़ कर दिया। तो ये है जो बेम्बो से बना हुआ एक ठो जो अंदर का ब्लॉक हटाने के लिए बनाया था मैंने। इसके बाद में ये जो कॉर्नर में छोटा ये डालने के लिए मैंने ये छोटा सा काट दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो नीचे से है ना 25 और 30% काट के फेंक दो, ठीक है। जितना चाहे अपना मर्जी से आप काट के फेंक सकते हैं, नहीं काटने से भी लंबा रखने से भी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। ऐसे करके लगाता है, लगा के ऊपर वाला ऐसे करके डालेगा। तो बाद में ये जो रबर बैंड है ना, आगे मैंने खोला था ये, अभी मैंने एक नया वाला रबर बैंड को यूज़ करके तो इसका जो चुंबुर का मेन नीचे वाला का उसमें एक तो छोटा सा गैप था ना, उसके अंदर से ये रबर बैंड बांधेगा, ठीक है। ऐसे बांधने से जो मेहंदी होता है ना वो नहीं निकलेगा, निकल के नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे करके अच्छा से बांध देना चाहिए। तो इसके बाद में देखिए कैसे बना हुआ, इसमें मेहंदी डालेगा, ठीक है, इसमें मेहंदी डालेगा। मेहंदी बना के मेहंदी जो मैंने जो सेकंड पार्ट में मेहंदी बनाएगा, ठीक है। तो अभी मैं पहले से यूज़ किया हुआ था ना, उसमें अभी मैंने मेहंदी नहीं डालेगा, ठीक है। दूसरा सेकंड पार्ट का जो नया वाला में मेहंदी डाल के आप लोगों को दिखाएगा। तो इसके अंदर जो बैम्बो है ना, जो ब्लॉक हटाने के लिए बैम्बो, ऐसे डाल के नीचे जो बॉटम से एक ठो रावर से अच्छा से बांध देना चाहिए, ताकि इसका अंदर का जो मेहंदी बाहर ना आ सके, ठीक है जी। इसमें जो मेहंदी डाल के कैसे पेंटिंग करते हैं वो तो आप लोग पहले से सब दिख चुका है ना, इसलिए अभी मैं इसमें मेहंदी नहीं डालेगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट वाला मैं इधर ख़त्म करता हूँ, तो बाद में सेकेंड पार्ट वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है जी। इसमें हम सब रीयूज वाला सामान को यूज़ करेगा, ठीक है, कोई भी बाहर से परचेस नहीं करेगा। ऐसे करके इसमें ना मैंने एक तो ये कोलगेट का कंटेनर जो ख़त्म हुआ हुआ एम्प्टी कंटेनर को अच्छा से साफ़ करके ले लिया था। तो इसके बाद में ये नेल है ना, नेल जो छोटा मोटा साइज में ये 2-3 तो लेके आओ अपना जो। तो इसके बाद में ये रिफिल है, ठीक है, सिल्लो पॉइंटिक जो पेन का रिफिल, आप जो भी पेन का रिफिल यूज़ कर सकता है। तो मैंने ये सिल्लो पॉइंटिक का ही लेके आया था, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे करके तो
ये जो कंटेनर का डब्बा है ना, उसका ऊपर से अभी होल बनाने का, ये जो रेवेल डालने के लिए, ठीक है, रेवेल को इसका अंदर घुसना पड़ेगा इसके लिए। इसके बाद में ये जो डब्बा है ना, उसका जो ठीक मिडिल से ना, सबसे पहले आप छोटा नेल यूज़ करो, ठीक है। अगर डायरेक्ट बड़ा डालेगा तो आपका होल बड़ा भी हो सकता है, अगर बड़ा हो गया तो आपको ये जो रिफिल फिट नहीं होगा, फिट नहीं होगा तो आपको जो नीचे से मेंढी लगा हुआ था ना, वो बाहर आ जाएगा। ये ठीक करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो ऐसे करके, ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। इसके बाद में एक तो नाइफ़ यूज़ करके वो जो रेफेल का पेन का जो ऊपर एक तो बॉल होता है, ठीक है, अंदर बॉल, उसको निकल देना चाहिए, ठीक है। अगर वो नाइफ़ यूज़ करके नहीं निकलेगा तो इसको एक बार बाहर निकाल दो, तो अब अपना ये जो प्लायर की मदद से इसके अच्छा से पकड़ो, ठीक है। इसके बाद में एक तो जैसे भी आप एक फाइल यूज़ करता है कर सकता है, ठीक है, रीति बोलता है ना, रीति फाइल, एक तो फाइल यूज़ करके उसको ये बॉल को भी हटाना चाहिए, बॉल से थोड़ा नीचे तक आप इसको इसका थोड़ा अच्छा से स्मूथ कर दो, ठीक है जी। ये जो रिफिल है ना, आप 1.5 इंची और 1 इंची से थोड़ा ज़्यादा रखो, ठीक है। ऐसे करके इसको ऐसे करके काटना काट दिया जाएगा, ऐसे करके काट के, तो लंबा ज़्यादा नहीं रखे, क्योंकि ब्लॉक होने से आप ज़्यादा लंबा होगा तो साफ़ नहीं कर सकेगा। देखिए अंदर का जो अंदर ज़्यादा नहीं निकलना है, ठीक है, छोटा सा 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर डालो। इसके बाद में इसको अच्छा से करके करना पड़ेगा। इसके बाद में इसका जो अभी मैंने बनाया था ना, वो कैसे काम करता है, उसको पानी जो थोड़ा सा पानी डाल के हम टेस्ट करके देखेगा, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर वाला जो रिफिल डाल के बना था ना, ऐसे करके अगर पानी आ जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, ठीक है जी। देखिए जो अंदर का लाल इंक का भी बाहर आ रहा है। इसके बाद में अभी मेंढी बनेगा, ठीक है। ये मेंढी 1 kg वाला मिलेगा, ठीक है, ये डिस्टेम्बर, डिस्टेम्बर 1 kg में वाला जो दुकान से, हार्डवेयर शॉप से मिलेगा आपको, ठीक है। ये लेके आओ 1 kg वाला। मेरा जो पुराना वाला था ना, वो थोड़ा क्या बोलेगा, थोड़ा हार्ड हो गया, ठीक है, तो भी हो जाएगा। आप तो नया लेगा तो आपको प्रोजेक्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा फेविकल गम डालना पड़ेगा, फेविकल नहीं डालेगा तो आपका जो मेंढी है ना, वो बाद में उतर जाएगा, तो इसका थोड़ा फेविकल डाल के स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके फेविकल लगा के, इसके बाद में ना आप जो एक तो स्टिक यूज़ करने से भी हो जाएगा, ठीक है, काम चलेगा। तो मैंने अभी हाथ से ही मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से मिक्स करो। जितना अच्छा से आप स्मूथ बनेगा ना, इतना अच्छा आपको मेंढी को बाहर अच्छा से आएगा, ठीक है। अगर ये मेंढी का अंदर में कुछ ये जो दाग रहता है ना, ऐसे छोटा मोटा ये रहेगा तो आपको ब्लॉक होने का बहुत चांसेस है, इसलिए इसके बाद में थोड़ा पानी डाल के भी, अभी मेरे को थोड़ा हार्ट हुआ था ना, इसलिए मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। आपको अगर नया ये डिस्टेम्बर यूज़ करेगा तो ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में चेक करके देखेगा, ठीक है, कैसे करके ऐसे करके बैठना चाहिए, ठीक है, डॉट ऐसे करके बैठना चाहिए। अगर नीचे चलेगा तो वो भी नहीं होगा, आपको मेंढी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड होने से भी आपका मेंढी नहीं निकालेगा, ठीक बनाना पड़ेगा। तो कोलगेट का जो मैंने बना था ना, उसके अंदर डालने के लिए अभी मैंने एक तो जो आई ड्रॉप्स का कैप यूज़ करेगा, ठीक है। इसके मदद से जो कोलगेट का अंदर मेंढी इसके अंदर से डालेगा, ऐसे करके। तो
कोलगेट का कंटेनर का जो मुंह का ऊपर ये ऐसे करके रखो, तो इसके बाद में धीरे धीरे करके इसके ऐसे करके लगाओ, ठीक है। ऐसे करके इसमें जो कंटेनर भरने का बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा से जाएगा ना कंटेनर का जो मुंह छोटा है ना, इसीलिए ऐसे करके धीरे धीरे करके डालना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है जी। तो लास्ट एंड में मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ना, कैसे मेहंदी लिखता है वो भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऐसे वाला हैंडमेड मेहंदी लगाने का जो चुंगबुर मेरा एक तो भाई पेंटर था ना, उसे ने बताया था, मैं भी आज इसका फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो कैसे रिजल्ट आ रहा है आप लोग देख लीजिए। तो मैंने बर के नहीं लगा था ना, तो इसका फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। अगर ऊपर में कुछ ब्लॉक हुआ हो तो आप एक ऐसे वाला नेल से साफ कर सकते हैं, ठीक है, ठीके? ऐसे करके लगाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये चुंगुर बनाने का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। शायद ये अच्छा से काम करे, ठीक है। मेरा जो पहले वाला जो चुंगुर से भी थोड़ा अच्छा से काम करे ये, देखिए। आप लोग भी ना ज़रूर इसको बना के लगा के देख लीजिए, ठीक है। कोई पेंटर हुआ तो आप लोग बाहर जाके कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है, अपना अपना होममेड ऐसे चुंगुर बना सकेगा, ठीक है। देखिए अच्छा आ रहा है, अच्छा से आ रहा है, ठीक है। तो सभी को मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, तशी दे लेला।